एन के टिप्पणी में आज हम बात करने वाले हैं हमारी नई हॉलीवुड मूवी की जो कि रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। देखो बुलेट ट्रेन है वो डेविड लेच के द्वारा बनाई गई, यानी हमारे जो डायरेक्टर हैं वो डेविड लेच हैं, जो कि हैं डेडपुल के डायरेक्टर भी। देखो डेडपुल मुझे बहुत मस्त लगती है, मतलब उसकी जो हिंदी डबिंग है ना वो तो मेरे को बड़ी मस्त लगती है, आपको भी लगती होगी, मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ। तो जिसने डेडपुल देखी है उसको जब ये बात पता चलती है कि इसके डायरेक्टर उस मूवी के डायरेक्टर सेम है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट या बहुत हद तक एक्साइटमेंट अपने आप बन गई थी। उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं भी इस मूवी को देखने गया था, लेकिन ये मूवी मुझे पसंद आई या नहीं आई वो अभी बात करने वाले हम इसी रिव्यू में। देखो ये मूवी जब मैं देखने के लिए शो पे वहां पे गया था थिएटर में, तो सबसे पहले मुझे बात जो बताई ना बंदे ने वो दिखाया कि भाई साहब एसी काम नहीं कर रहा हॉल का। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मूवी देखनी है। फिर बता रहा भाई साहब अभी टिकट नहीं मिली। मैंने क्यों, तो बोला कि भाई साहब अभी तक एक भी टिकट बिकी ही नहीं है, क्या होगा फिर 12:30 बजने का वेट करो, शो कैंसिल नहीं होता है तो आपको टिकट मिल जाएगी। मैंने शो कैंसिल नहीं होने के लिए क्या होगा, बोला कि यार मिनिमम 5 टिकट या फिर 5 से 10 टिकट तो बिकनी चाहिए। मैंने यार इतने बंदे कहां से लाऊं, चैनल भी इतना बड़ा नहीं अपना तो कि भाई एक साथ खरीद दूं। पर फिर भी मैं वहीं बैठा रहा और आखिरकार मैंने मूवी देख ली, मेरे जैसे 4-5 भाई आ गए। देखो इस मूवी का यदि मैं थोड़ा सा आइडिया दूं स्टोरी का, तो मूवी के अंदर एक बुलेट ट्रेन होती है, जिस बुलेट ट्रेन के अंदर एक चीज है जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड के डॉन, कुछ इंस्पेक्टर्स, जासूस और कुछ किराए के टट्टू, ऊपर से लेके ऐसे ऐसे अतरंगी कैरेक्टर है जो पीछे पड़े हुए, जिसकी अपनी अपनी वजह है, किसी की मजबूरी है, किसी का इमोशनल रीजन है, तो किसी को बहुत शोहरत चाहिए, तो कोई बस सटका हुआ है, उसको बस सटकी है, उसको करना है। तो इस तरीके से बहुत ही तरंगी कैरेक्टर्स को मिला के जो एक चीज है वो आखिर में किसके हाथ लगती है या किसी के भी हाथ नहीं लगती है, बस उसी के ऊपर ये मूवी का थीम बेस्ड है। मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है और भाई साहब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है वो बहुत अतरंगी है, मतलब कि हर कैरेक्टर के पीछे की खुद की एक स्टोरी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा देर तक, लगभग आधे घंटे तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन ये तो खैर हॉलीवुड मूवीज की खासियत है कि हॉलीवुड मूवी लोग बाग देखते हैं तो यही सोच के देखते हैं कि एंड तक देखेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि मूवी हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो इस मूवी के अंदर बहुत हद तक वो थीम यूज किया गया है जो कि हमारी एक बॉलीवुड मूवी है लूडो के नाम से, जैसे उसके अंदर एक सीन दूसरे सीन से कैसे लिंक होता है, एक करेक्टर का इंट्रोडक्शन स्पेशली कराया जाता है, इसी तरीके से इस मूवी के अंदर भी कराया गया। और तुम यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ मूवी का नहीं चीजों का इंट्रोडक्शन भी कराया था भाई साहब। एक वाटर बोतल का इंट्रोडक्शन होता है मूवी के क्लाइमैक्स में और वो मेरा फेवरेट पार्ट था। एक वो वाटर बोतल वहां तक कैसे पहुंची और वो कैसे कैसे किस चीज का रीजन है और वो एक बहुत बड़ा रीजन बनती है। तो एक वाटर बोतल का इंट्रोडक्शन, एक करेक्टर जितना फुटेज मिला है उसको, एक वाटर बोतल को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। देखो पूरी स्टोरी देखने के बाद मैं ये आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि डेडपूल को देखता जितनी कॉमेडी आपने फील की थी उतनी कॉमेडी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कॉमेडी है और मतलब कि आपको बिल्कुल एंटरटेन भी करता है और आप बहुत हंसते भी हो। देखो अपने जो लीड एक्टर हैं वो ब्रैड पिट हैं और ब्रैड पिट की जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही शानदार रहती है पूरी मूवी में, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत हद तक ठीक है, बेकार भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा वर्क करता है कि आपको जब सीरियसनेस फील होनी चाहिए तब सीरियसनेस फील होती भी है। देखो मूवी पूरी की पूरी कॉमेडी बेस्ड है तो सारे कैरेक्टर्स हैं वो इस तरीके से दिखाएंगे कि आपको उनके इमोशनल सीन्स ज्यादा फील नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पूरी मूवी में 2 इमोशनल सीन्स हैं जिससे एक इमोशनल सीन की तो कॉमेडी बना देते हैं एंड में, लेकिन पहला इमोशनल सीन है वो थोड़ा सा फील होता है ऐसा चिन्नू सा। देखो मूवी के अंदर थोड़ा सा जापान का जो ओल्ड थीम है वो भी यूज किया गया, मतलब इसके अंदर एंड में जाके एक के बाद एक आपको सस्पेंस खोलती है, लेकिन उनमें से एक सस्पेंस या एक ट्विस्ट मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने एज्यूम कर लिया था तो आप भी कर लोगे। मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ पर आप भी देखते हो तो शायद आप कर लो। इसके अलावा भी मुझे खुद को जो जो चीजें मुझे नहीं उम्मीद थी वो भी चीजें होती हैं और एंड में भाई साहब इतने सारे कैरेक्टर और इतने सारे लूप होल छोड़ के जाती है स्टोरी, मतलब ऐसा लगता है कि इसका पार्ट टू क्या पूरी सीरीज आ सकती है। नेगेटिव पॉइंट्स में मैं दूसरा पॉइंट यदि आपको बताऊं तो देखो मूवी बीच बीच में अपने कॉमेडी ट्रैक से इधर उधर जाती है, थोड़ी सी मूवी ज्यादा खिंचती है, कई बार लगता है कि यार इन चीजों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, पर बाद में पता चलता है कि यार हाँ ये जरूरी था, लेकिन स्टार्टिंग हमें फील होता है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि यदि स्टार्टिंग में या बीच में कहीं इंटरेस्ट टूटता है तो हो सकता है कि व्यूअर मूवी ना देखे या फिर वहीं पर छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हॉल में टिकट के रुपए दिए भाई, इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता। लेकिन एंड तक आते आते आपको सारी चीजें जस्टिफाइड लगती हैं, पसंद आती हैं और स्टोरी तो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी, जैसे कि भाई हाँ नॉर्मल है आप बोर हो जाओगे आप कुछ या नहीं, अच्छी मिलेगी। देखो स्क्रीन प्ले इसके नाम की तरह बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह भगता है, ताकि यदि आपकी नजर एक बार भी हटती है तो हो सकता है आपको स्टोरी में कुछ चीजें समझ में ना आए कि ये करेक्टर ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि देखो इस टाइम जितनी भी मूवीज थिएटर में लगी हुई है उन सब में से ये मूवी सबसे बेस्ट है, तो यदि आप इस वक्त थिएटर जाने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं।
लेकिन यदि आप लोग को हॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं है, आपको इमोशनल मूवीज पसंद है या फिर आपको इंडियन मसाला पसंद है तो आप लोग के लिए मूवी नहीं है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन यदि आप हॉलीवुड मूवीज पसंद करते हैं और आपको अब थिएटर जाना है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें स्पेशली इस मूवी के लिए थिएटर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो, मेरी राय इसके अंदर ये है कि मेरे भाई लोग, आप इस मूवी के लिए बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो तो आप ये मूवी मत देखने जाओ, क्योंकि ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि स्पेशल इसके लिए थिएटर जाया जाए। लेकिन ये OTT पे देखने लायक डेफिनेटली है। लेकिन यदि आपको वो ही कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल इस टाइम चाहिए और थिएटर में आपका जाने का पूरा पूरा मन है तो आप इस मूवी को बेफिक्र चूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत यदि आप कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको इस मूवी की रेटिंग्स दे देता हूं अपनी तरफ से। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को रेटिंग्स मिलती है 3.8 की। एन के टिप्पणी पे आज हमने टिप्पणी की एक मूवी पे जिसका नाम बुलेट ट्रेन है। आपको टिप्पणी कैसी लगी, टिप्पणी आपके काम आई कि नहीं आई, आप टिप्पणी करके बता सकते हो। और वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। मुझसे मिलना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके देखो, लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन में।